प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार को उज्जैन में आयोजित दो दिवसीय सोशल मीडिया कॉन्क्लेव में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए और पूजन कर आशीर्वाद भी लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में आयोजित नेशनलिस्ट सोशल मीडिया कॉन्क्लेव में सहभागिता की। इस अवसर पर साथी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित रहे। साथ ही सीएम शिवराज ने भगवान महाकाल के दर्शन और पूजन आशीर्वाद लिया। मैं माँ नर्मदा को प्रणाम, नर्मदा भैया को प्रणाम करते हुए सभी प्रदेशवासियों को नर्मदा जयंती की बधाइयाँ देता हूँ। नर्मदा मैया से यही प्रार्थना है कि वो मध्य प्रदेश पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। उनकी कृपा से हमको बिजली मिलती है, उनकी कृपा से हमको सिंचाई का पानी मिलता है, उनकी कृपा से हमको पीने का पानी मिलता है। उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आज अनेकों नर्मदा जयंती के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हैं और आज मैं इसलिए भी प्रसन्न हूँ कि आज से दो साल पहले नर्मदा जयंती के दिन ही मैंने संकल्प लिया था रोज पेड़ लगाने का। आज उस संकल्प के दो वर्ष पूरे हो गए, तीसरा वर्ष प्रारंभ हो गया है और मुझे खुशी है कि मैंने लोगों से आह्वान किया कि आप जन्मदिन के दिन कम से कम पेड़ लगाओ, तो ऐसे लगभग 67 लाख पेड़ लोग लगा चुके हैं। अंकुर एक अभियान बन गया है। आज सोशल मीडिया के कई दिग्गज महाकाल बाबा की नगरी में यहाँ एकत्रित है, एक सोशल मीडिया कॉन्क्लेव हो रहा है, उसी कॉन्क्लेव में मैं भाग लेने के लिए यहाँ आया था। ठीक है मामा, आज कॉन्क्लेव तो हो ही रहा है, पूरे देश के जो मीडिया जगत के हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क के हैं, किस प्रकार उनको आपने समझाया और क्या? नहीं, मैंने तो खैर सोशल मीडिया के महत्व के साथ मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है उसकी जानकारी दी, बाकी विषयों पर वे चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना प्रारंभ कर दिए। उनके वचन पत्र में जो वचन दिए थे, अब मैं लगातार पूछूंगा कमलनाथ जी से, वो एक भी पूरे नहीं किए। आज एक वचन उनमें से मैं आपको बताता हूं, इन्होंने कहा था हम गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, चावल हो, कई फसलों के नाम लिख के कहा था बोनस देंगे। 1.25 साल में एक को भी बोनस दिया क्या कमलनाथ जी? आखिर झूठ की भी हद होती है। अब सवाल पूछने का मेरा सिलसिला प्रारंभ होगा उनसे। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की इस पवित्र नगरी महाकाल महाराज की अवंतिका में मैं मेहमान कैसे हो सकता हूँ? मेहमान तो आप है जो देश भर से कृपा करके पधारे हैं। आप सब अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। आज नर्मदा जयंती है, गंगा सिंधु शिकावेरी यमुना था सरस्वती रेवा महानदी गोदा, रेवा मतलब नर्मदा जी, नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, गुजरात को भी जिंदा रखती है, महाराष्ट्र भी पानी जाता है। नर्मदा मैया के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आज कई कार्यक्रम नर्मदा जयंती के हैं। यहां छिपरा मैया अटल जी का सपना था रिवर ड्रिंकिंग का, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नर्मदा जी को छिपरा जी से जोड़ने का हमें सौभाग्य मध्य प्रदेश की धरती पर, और नर्मदा जी के पानी को हम केवल छिपरा जी में नहीं काली सिंध में ले जा रहे, गंभीर में ले गए, पार्वती में ले जा रहे। और आज मैं अपने मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि नर्मदा जी की कृपा है जिसके कारण
कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार को उज्जैन में आयोजित दो दिवसीय सोशल मीडिया कॉन्क्लेव में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन और पूजन कर आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।